साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों एक और नया अपडेट जो है अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पर हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और आपको कैसे उस जानकारी पे काम करना है वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पंजीकृत आवेदन में शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन की अंतिम तिथि है वह 24 जून 2019 शाम 6 बजे तक है, और स्कोर कार्ड केवल सत्यापित आवेदक का ही जनरेट होगा। यानी इसको आपको बता दें कि जो अतिथि शिक्षक नए आवेदन थे उनके वेरिफिकेशन की जो तिथि थी 17 जून शाम 6 बजे तक थी, और उसके बाद उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब वही नए जो कैंडिडेट हैं या जिनने अभी प्रोफाइल बनाई है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, तो उनके लिए अंतिम मौका एक और दिया गया है। वो 24 जून 2019 के शाम तक 6 बजे तक अपना जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ नीचे आप दूसरे में देख सकते हैं कि जिन आवेदकों का सत्यापन 18 जून 2019 से पहले हो चुका है उनका स्कोर कार्ड 22 जून 2019 से पोर्टल पर डाउनलोड होगा। यानी 17 तारीख तक जिन आवेदकों ने सत्यापन करा लिया था उनके लिए 22 जून से जो है पोर्टल पर उनका स्कोर कोड जो है स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो इस वीडियो में हम आपको कैसे स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे आपको अपने सब्जेक्ट का पैनल पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज चेक करना है वो सारी प्रक्रिया इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और यहाँ तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम फॉर्म को संकुल कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि जो है 30 जून 2019 है, और इसके बारे में भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि यह डेट बढ़ती है तो उसके बारे में आपको पृथक से जो है जानकारी दी जाएगी। तो ये हो गई नए आवेदकों के लिए जानकारी कि आपको 24 जून तक सत्यापन कराना है, और जिन लोगों ने सत्यापन करा लिया है उनका 22 जून से स्कोर कार्ड जो है पोर्टल पे शो होने लगेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसके नेक्स्ट जानकारी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपका जो है पैनल तैयार हो चुका है, जिन आवेदकों का सत्यापन हो चुका है तो वो आपको कैसे पैनल देखना है। सबसे पहले पैनल आपको समझा दें कि क्या है। आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और जैसा आपका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है जिस सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट का से आपके ज़िले में और आपके ब्लॉक में कितना नंबर आपका आया है मेरिट में, वो सारी जानकारी पैनल में दिखाई दी जा रही है। आपसे पहले कौन है, आपके बाद कौन है, ये अभी जो है पूरी जानकारी पैनल पर उपलब्ध। तो चलिए देखते हैं आपको वो पैनल कैसे देखना है। तो यहाँ राइट कॉर्नर पे आपको तीन लाइन दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा जो है डिस्प्ले दिखाई देगी। इसमें आप सबसे पहले तो लॉगिन का ऑप्शन है, या तो आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं जो पैनल है, या फिर आप यहां पर लॉगिन करना अनिवार्य नहीं है। आपको सबसे ऊपर ही यहां पर दिखाई दे रहा है कि अतिथि शिक्षक हेतु उपलब्ध आवेदकों का पैनल, तो आप डायरेक्ट यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम सीधे यहीं पर क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे की प्रक्रिया। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो एक नया पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप दिखाई देख रहे हैं कि होम पैनल और रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको पैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पैनल पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो और ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेंट फॉर अ पैनल ग्रुप इन ए डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे ऑप्शन पे है ग्रुप इन ए ब्लॉक। यानी आप ब्लॉक वाइज भी देख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं। तो चूंकि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं उसी में आपको ब्लॉक वाइज भी समझा देंगे। तो हमने यहाँ पर ग्रुप इन ए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट और पैनल ग्रुप, तो आप यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं टीकमगढ़ से हूँ तो यहाँ पे टीकमगढ़ क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपका सिलेक्ट पैनल ग्रुप यानी आपको सब्जेक्ट भरना है। यदि आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसमें जो सब्जेक्ट हैं उसको देखना चाहते हैं तो SSS 1 पर क्लिक कीजिए, और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है वर्ग 2 के लिए और उसमें जो सब्जेक्ट हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने SSS 1 हिंदी ले लिया, तो यहाँ पर SSS 1 हिंदी पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है। कैप्चर कोड हम इंटर करते हैं, हमने जैसे ही यहां पे कैप्चा कोड इंटर किया है और नीचे डाउनलोड क्वालिफाइड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको देख सकते हैं जो हमने SS1 टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए SSS1 हिंदी के लिए क्लिक किया है तो उसकी लिस्ट ओपन हो गई है। यानी सबसे पहला जो है वैजंती सूत्रकार हैं, इनकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 180.2 स्कोर रहा है, यानी 100 नंबर आपके बीएड के इसमें इंटर हैं ऐड हैं, और 80.2 इनकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट से इनका मार्कशीट है। तो टोटल दोनों को मिला करके 180.2 पॉइंट इनका टोटल स्कोर बना है और इनके ज़िले में पहला नंबर लगा हुआ है। इसी प्रकार आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं 179.9 विभा भारती, तीसरे नंबर पे रश्मि यादव, चौथे नंबर पे ज्योति मिश्रा। इस तरह से आप पूरा पैनल आपके सामने ओपन हो गया है, आप अपने नाम इसमें कहाँ कितने नंबर पे आ रहा है वो देख सकते हैं और किसकी कितनी परसेंटेज है पूरे ज़िले वाइज में वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया ज़िला वाइज। अब हम आपको चलिए बता देते हैं कि आपको ब्लॉक वाइज कैसे करना है। जैसे ही हमें ब्लॉक वाइज करना है तो हम फिर से पैनल पे चले जाएंगे। पैनल पे अब की बार हम क्लिक करेंगे ग्रुप इन अ ब्लॉक। तो जैसे ही हम ग्रुप इन द ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसीजर रहेगी, थोड़ा सा आपके सामने से पेज बदल जाएगा। इसमें पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो हमने जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मार्क कर दीजिए। जैसे मैंने टीकमगढ़ कर दिया तो टीकमगढ़ हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक पूछे जाएंगे, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक आपके सामने ओपन होगा, तो आप जिस ब्लॉक में रहते हैं उस ब्लॉक का यहाँ पर आपको जो है मार्क करना है। तो हमने बल्दोगढ़ मान लो कर दिया, तो बल्दोगढ़ के बाद उसके बाद फिर से वही पैनल सेलेक्ट पैनल ग्रुप। आप वर्ग 1 में अपना पैनल देखना चाहते हैं या वर्ग 2 में पैनल देखना चाहते हैं या फिर वर्ग 3 में, तो आप जैसे वर्ग 1 में हिंदी से ही देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने हिंदी क्लिक किया, SSS बंद और ओके कर दिया। उसके बाद आपके सामने पुनः एक कैप्चा आएगा, तो कैप्चा को एंटर करना है। हम जैसे ही कैप्चा को क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो है ब्लॉक वाइज पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले देख लेते हैं हमने ओपन क्या किया है। तो यहाँ देख सकते हैं टीकमगढ़ ज़िले के बल्दोगढ़ ब्लॉक का हिंदी वर्ग 1 का हमने जो है पैनल खोल के रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो नंबर है स्कोर कार्ड है वो राजीव द्विवेदी के नाम से है, इनका 175.6 जो है टोटल स्कोर रहा है। इसमें 100 नंबर बीएड का है और 75.6 जो है इनका सब्जेक्ट का है एमए वर्ग 1 से। तो इस प्रकार से इन सभी लोगों का जो है पैनल आपने ब्लॉक वाइज देख लिया है। तो यहाँ पर भी आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से जो है स्क्रॉल करके नीचे ऊपर देख सकते हैं और आपसे ऊपर कौन कौन है उनसे भी जो है देख सकते हैं। ये आपका ब्लॉक वाइज पैनल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दोनों ही पैनल कैसे ओपन करना है हमने इसकी प्रक्रिया सारी समझा दी है। इस पैनल का महत्व ये है कि आपको ब्लॉक में और आपको ज़िले में सभी दोनों ही प्रकार से आपको ओवरऑल मेरिट का पता चल गया है कि आपका ज़िले में कितना नंबर लग रहा है और आपका ब्लॉक में कितना नंबर लग रहा है। ये आपका अभी फाइनल स्कोर कार्ड नहीं है कि आपको इसी आधार पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, अभी आपको ओवरऑल मेरिट का पता है कि आपका इतना नंबर है, आपसे ऊपर इतने लोग हैं, लेकिन अभी च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको स्कूल चुनने होंगे, आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं।
फिर आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। उस चॉइस फिलिंग के बाद एक अलग से आपकी मेरिट स्कूल वाइज बनेगी और वहाँ पे आपका कितना नंबर लगता है वो आपका फाइनल मेरिट होगा स्कूल वाइज, और उसी के आधार पर आपको जो है स्कूल में ज्वाइनिंग देनी होगी। तो अभी यदि आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग होनी है, क्योंकि आपके एरिया में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। इसमें हमने जो जिला वाइज, जो ब्लॉक वाइज बताई, ये ओवरऑल ज़िला के लोग हैं, तो आपके आसपास के एरिया में ये आपसे ऊपर वाले लोग नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो निश्चिंत रहें। इस पैनल से आपको इतना तो मालूम हो गया कि आप लगभग कितने नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन जब स्कूल वाइज सिलेक्ट आपसे चूज मांगा जाएगा कि आप किस स्कूल में प्रेफर करते हैं सबसे पहले पढ़ाने के लिए, तो वहाँ की जो मेरिट होगी वो अलग होगी, और वहाँ पे हो सकता है आपका पहला, दूसरा, तीसरा नंबर ही आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल, कम से कम 20 स्कूल तो उसमें चॉइस फिलिंग में आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो हुए थे वो 20 स्कूल को चॉइस करना था। तो इस आधार पर आपकी जो मेरिट है वो काफ़ी अच्छी आगे आ जाएगी और आपको किसी ना किसी स्कूल में जो है वैकेंसी मिल जाएगी। तो दोस्तों, निराश मत होइए, और जैसे ही कोई जानकारी हमारे पास आते हैं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर शेयर करेंगे। हम वही वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि सभी जानकारी आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है उन लोगों को भी इस पैनल के बारे में जानकारी लग जाए और वो भी अपना पैनल देख सकें और आपस में डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।